पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था एमएस वर्ड का जो इंटरफेस होता है उसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि किसे क्या बोलते हैं, इसे टाइटल बार बोलते हैं, इसे मिनिमाइज बोलते हैं, इसे रीस्टोर डाउन बोलते हैं, स्टेटस बार किसे बोलते हैं, ये सारा का सारा चीज मैंने बताया था। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड का सबसे पहला टैब फाइल टैब। देखिए फाइल टैब काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फाइल टैब अगर आप उसका ऑप्शन नहीं समझेंगे अच्छे से तो आगे एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट में बहुत दिक्कत होगा। फाइल टैब में सेव कैसे करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट कैसे करेंगे, प्रिंटर का सेटिंग कैसे करेंगे, उसके बाद अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी को सेंड करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं तो मेल कैसे करेंगे, वेब पेज पे उसे अगर डालना है तो वेब पेज पे कैसे डालेंगे, ये सारा का सारा चीज हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड के फाइल टैब में। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक बार मेहनत करना है, अगर आप फाइल टैब में अच्छे से कर लेते हैं, फाइल टैब में अच्छे से पढ़ लेते हैं, अगर एमएस वर्ड में फाइल टैब को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एमएस एक्सेल पावर पॉइंट सारे में फाइल में यही ऑप्शन रहेगा। तो एक बार मेहनत करेंगे तो ना तो आपको एक्सेल में दिक्कत होगा ना पावर पॉइंट में दिक्कत होगा। तो एक एक ऑप्शन को मैं कवर करने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अगर किसी चीज को समझने में दिक्कत हो तो बार बार रिपीट करके दो बार तीन बार देखिए, लेकिन अच्छे से देखिए क्योंकि मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक लेवल से जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास फाइल टैब से। एमएस वर्ड ओपन करेंगे, उसके लिए विंडोज बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद उसमें टाइप करेंगे डब्ल्यू। जैसे ही डब्ल्यू टाइप करेंगे वहां पर वर्ड ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे ये एमएस वर्ड ओपन होने का ऑप्शन आएगा, इसमें आप क्लिक करेंगे, एमएस वर्ड आपका ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये इंटरफेस है, इसे टाइटल वर्ड बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वन है दिख रहा है। मैंने आपको कल बताया था कि किसे क्या बोलते हैं, सारा का सारा इंटरफेस से मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था कि किसको इसको टाइटल वर्ड बोलते हैं, किसको स्टेटस वर्ड बोलते हैं, सारा चीज़ मैंने बताया था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइल टैब। तो चलिए फाइल टैब में हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं। फाइल टैब में सबसे पहले है होम। होम मतलब होता है घर। इंसान कहीं भी होता है तो सबसे पहले अपने घर पे होता है, कहीं जाने से पहले। तो यहाँ पे एमएस वर्ड में भी हम काम करेंगे तो सबसे पहले जो खुलता है वो होम ऑटोमेटिक खुलता है, हम लोग होम पेज पे रहते हैं। अब होम के बाद हमें पढ़ना है न्यू। न्यू का क्या काम होता है? न्यू का काम होता है नया फाइल लेना, नया डॉक्यूमेंट लेना। जैसे अभी डॉक्यूमेंट वन लिए हुए हैं, हमें डॉक्यूमेंट वन पे काम खत्म हो चुका है, मुझे टू लेना है, डॉक्यूमेंट टू लेना है, डॉक्यूमेंट थ्री लेना है। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? न्यू पे। न्यू पे जाएंगे तो हमसे पूछेगा कि चलिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है या पहले से कोई बना बनाया फाइल है उसको भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा बना बनाया फाइल है, आप उसमें से भी ले सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि हम खुद से बनाएं तो उसके लिए आप जाएंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फाइल खुल चुका है, ध्यान से देखिएगा फाइल जो खुला है वो डॉक्यूमेंट टू है। पहले कौन था? डॉक्यूमेंट वन। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू खुल चुका है। फिर आपको डॉक्यूमेंट तीसरा लेना है तो फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद फिर कहाँ जाएंगे? न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद फिर कहाँ जाएंगे आप? तो यहाँ पे जाएंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। फिर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे फाइल कितना खुल गया? तीसरा। यानी क्या समझे कि अलग अलग अगर आपको फाइल लेना होगा, अलग अलग डॉक्यूमेंट लेना होगा तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? फाइल ऑप्शन में, फाइल टैब में न्यू ऑप्शन का। न्यू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एन। क्या होता है फिर से सुनिएगा, न्यू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एन। इसका काम है नया फाइल लेना। अब आइए उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है अगला है उसका नाम है ओपन। ओपन का क्या काम है? कोई भी फाइल जो एमएस वर्ड में पहले से सेव है और अगर उसे आप ओपन करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे? ओपन का। तो ओपन का ध्यान रखिएगा, ओपन में सिर्फ वही ओपन होगा जो एमएस वर्ड में सेव है। ऐसा नहीं कि एमएस वर्ड में ओपन ऑप्शन में एमएस एक्सेल में जो फाइल पहले से सेव है वो ओपन होगा, बिल्कुल नहीं। एमएस वर्ड में सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड में जो फाइल सेव होगा वही ओपन होगा। चलिए तो देखते हैं, अभी डॉक्यूमेंट थ्री पे हैं, हमें डेस्कटॉप पे एक फाइल सेव किए हुए बुलसाई नाम से, उसे हमें ओपन करना है तो ओपन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो पूछ रहा है कि कहाँ है? देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है रिसेंट। रिसेंट में आपने जिस जिस फाइल पे काम किया हो यहाँ पे सेव कर रहा है, इसमें से अगर किसी फाइल को ओपन करना है तो कर सकते हैं। दूसरी चीज वन ड्राइव, अगर आपने कोई वन ड्राइव पे कोई फाइल रखा है तो यहाँ से आप उसको, वन ड्राइव क्या होता है, जैसे गूगल ड्राइव होता है, ऑनलाइन डेटा स्टोर होता है, यहाँ से आप ऑनलाइन डेटा यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। अगर उस पर कोई सेव है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं।
अगला है दिस पीसी, यानी कंप्यूटर में आप कहीं भी रखे हुए हैं तो वहां से ले सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अगला है ब्राउज, ब्राउज में यानी डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर में कहीं भी आपका फाइल सेव है तो वहां से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए ब्राउज में जाते हैं। ब्राउज में जाने के बाद हम चले गए कहाँ, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे क्या है, जो फाइल हमारा है बुलसाई नाम से सेव है, इस पर क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, ओपन। जैसे ही ओपन करेंगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बुलसाई नाम से ऊपर में टाइटल बार में बुलसाई दिख रहा है, यानी बुलसाई नाम से जो फाइल मेरा डेस्कटॉप पे सेव था अभी वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें कुछ टाइप कर देते हैं, इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ 90 एंटर। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये हमारा रन कमांड होता है जिससे आप इसको टाइप करेंगे तो कुछ पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट टाइप होकर आ जाएगा, आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आते हैं, फाइल में चलते हैं हम लोग। होम समझ गए हैं, न्यू समझ गए। न्यू का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+N। ओपन का क्या काम होता है, कोई भी फाइल पहले से यदि सेव है उसे अगर आप अपने कंप्यूटर में अपने एमएस वर्ड में ओपन करना चाहते हैं तो ओपन का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ओपन का काम, ओपन का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब एमएस वर्ड में कोई फाइल सेव है, तभी आप एमएस वर्ड में उसको ओपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एमएस वर्ड के फाइल में एमएस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। अगला है इन्फॉर्मेशन, इन्फो में जाएंगे तो जो भी आपने पेज बनाया है उसका सारा इन्फॉर्मेशन बताएगा कि चलिए जैसे अभी जो बुलसाई वाला पेज है उस पर मैंने क्या किया, उस पर साइज है 0 byte, पेज है 1, वर्ड है कितना 239, टोटल एडिटिंग टाइम कितना है 1 मिनट, जो भी उस पर आप काम किए हैं जितना भी है सारा का सारा प्रॉपर्टीज उसका दिखाएगा। किसमें, इन्फॉर्मेशन में। आप इन्फॉर्मेशन में से थोड़ा बैक चलते हैं, फिर चलते हैं अपने पेज पे। एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पर आने के बाद फिर से हम एक बार टाइप करते हैं कुछ, इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ 90 एंटर। अब यहाँ से पेज कितना है, अभी 1 है, एक पेज और खोल लेते हैं। पेज खोलने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करना होता है, कंट्रोल के साथ इंटर। यहाँ पे पेज खुल चुका है, कितना पेज खुल चुका है, 4। अब ध्यान से सुनिएगा, चलते हैं हम फाइल में। फाइल में जाने के बाद इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो पहले पेज कितना दिखा रहा था, तो पहले पेज दिखा रहा था कि चलिए भैया पहले पेज 1 है तो 1, अब कितना दिखा रहा है, 4। पहले वर्ड भी कम दिखा रहा था, वर्ड कितना दिखा रहा है, 478। ये क्या देखें कि जितना काम कीजिएगा, जितना उस पर काम हुआ रहेगा, सारा का सारा प्रॉपर्टी आपको दिखाने का काम करेगा यहाँ से। अगला ऑप्शन है हमारा सेव। सेव के लिए क्या काम है देखिए, तो चलते हैं फाइल में। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सेव का, सेव का क्या काम होता है तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो हमारा फाइल है ये डेस्कटॉप पे सेव है बुलसाई नाम से, इसको एक बार देख लेते हैं। बुलसाई नाम से सेव है डेस्कटॉप पे, यहाँ पे देख रहे हैं आप बुलसाई नाम से सेव है, लेकिन इसमें कुछ अभी लिखा हुआ नहीं है, इसमें हम कुछ लिख करके लिखने के बाद इसे उस मैटर को इसमें सेव करना चाहते हैं। तो रन कमांड है हमारा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक बहुत ही अच्छा ये मतलब कि टेक्निक दिया हुआ है, कमांड दिया हुआ है ताकि हमको मेरा और आपका दोनों का टाइम बर्बाद ना हो। इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ 9 ओपन ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ 0 क्लोज ब्रैकेट, इंटर बटन प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये आ चुका है, टाइप हो चुका है। अब इसको हमें सेव करना है तो कहाँ जाएंगे, फाइल में। फाइल में जाने के बाद कहाँ जाना है, सेव में। सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा, इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से क्लोज कीजिएगा तो इसमें, इसको ओपन कीजिएगा तो इसमें सेव हो चुका है। तो देखिए जो फाइल पहले से सेव है उसको सेव करना तो आसान था, अब नया फाइल लेते हैं उसमें सेव कैसे करेंगे। वर्ड ओपन किए, इस पर क्लिक किए, इसमें मेटा टाइप करते हैं इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ 90 इंटर। इसका नाम इसमें जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, बुलसाई एडवेंचर्स या बुलसाई लिख देते हैं। चलिए इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये सारा चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा कि बोल्ड कैसे होता है, ये सारा चीज। अब हम आगे आते हैं, फाइल में जाएंगे, सेव पे जाएंगे, इसे सेव करना चाहते हैं तो पूछेगा कि आप सेव कहाँ करना चाहते हैं, आप इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं या डाउनलोड में सेव करना चाहते हैं, वन ड्राइव पे सेव करना चाहते हैं। तो मुझे सेव करना है इसे डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप ले लेंगे। तो पूछेगा किस नाम से सेव करना चाहते हैं, पहला तो बुलसाई से नाम से सेव है तो हम इसका नाम देना चाहते हैं बुलसाई एडवेंचर्स और सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब हमारा देखिए यहाँ पे फाइल का नाम क्या आ चुका है, बुलसाई एडवेंचर्स। क्यों, क्योंकि ये फाइल जो है सेव हो चुका है बुलसाई एडवेंचर्स नाम से। देखिए यहाँ पर पहले वाला था बुलसाई और दूसरे वाला था बुलसाई एडवेंचर्स। अब नया फाइल को सेव करने आ गया, अब इसी फाइल को बुलसाई एडवेंचर्स वाले को ही ओपन करेंगे
और हम इसमें कुछ और नया चीज, यही चीज एक बार और टाइप करते हैं, इक्वल टू आर ए एन डी शिफ्ट के साथ 90 एंटर प्रेस कर दिए। अब यही चीज फिर से हमें इसी फाइल में सेव करना है, तो कहां जाएंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद कहां जाएंगे, सेव ऑप्शन है यहां पे, सेव पे क्लिक करेंगे। देखिए बुलसाई एडवेंचर्स वाले फाइल में ही ये सेव हो चुका है। देखिए यहां से बुलसाई एडवेंचर्स वाला फाइल है, इसको क्लोज करते हैं। अब बुलसाई एडवेंचर्स वाले फाइल को जब हम ओपन करेंगे, तो ओपन जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले एक बार टाइप था, अब कितना बार टाइप हो चुका है, दो बार टाइप हो चुका है, यहाँ पे इतना बड़ा टाइप हो चुका है। अब इसमें फिर और कुछ लिखते हैं, नीचे भी एक बार लिखते हैं BULLSEY बुलसाई EDUVENTURES बुलसाई एडवेंचर्स, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इसके साइज को बड़ा कर देते हैं, साइज को बड़ा कर दिए। अब हम चाहते हैं इसको भी इसी में सेव करें, तो या तो आप फाइल ऑप्शन में जाकर सेव पे क्लिक करेंगे, या नहीं तो कंट्रोल के साथ एस बटन प्रेस करेंगे। कौन सा बटन, कंट्रोल के साथ एस, यहीं से कंट्रोल के साथ एस दबाइएगा, देखिए उस फाइल में सेव हो चुका होगा। बुलसाई एडवेंचर्स वाले को ओपन कीजिएगा, इसको यहां से बड़ा करते हैं, देखिए यहां पे देखिए बुलसाई एक ही जगह था लेकिन अब दो जगह हो गया होगा, देखिए बुलसाई एडवेंचर्स आ गया, ऊपर में बुलसाई नीचे में बुलसाई एडवेंचर्स। तो ये था कि आप कोई भी फाइल खोले हुए हैं, कोई भी फाइल ओपन किए हुए हैं और उसमें बार बार कुछ मैटर टाइप करके उसी फाइल में सेव करना चाहते हैं, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, सेव का, किसका, सेव का, जिसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस, जो आपको मैंने अभी पढ़ाया। अब उसके बाद अगला ऑप्शन है सेव एज, सेव एज का क्या काम है। अब सेव और सेव एज में क्या अंतर है, हमेशा अक्सर सुनने को मिलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, सेव और सेव एज में क्या अंतर है, आइए सीखते हैं। उसके लिए हम लोग कहां चलेंगे, उसके लिए चलेंगे वर्ड वाले फाइल पे, जो हमारा फाइल है उस फाइल पे बैक आते हैं। अब इसमें बुलसाई एडवेंचर्स में इसके नीचे कुछ हम लिखते हैं, वही चीज जो कमेंट देते हैं, इक्वल टू आर ए एन डी शिफ्ट के साथ 90 एंटर दे दिए। अब इसे भी हमें करना है सेव, लेकिन इस फाइल में नहीं, दूसरे फाइल में, दूसरे नाम से दूसरे फाइल में सेव करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जाएंगे फाइल में, और फाइल में जाने के बाद कहां चले जाएंगे, सेव एज, कम ऑन फिर से सुनिएगा, कहां जाएंगे, सेव एज, सेव नहीं करेंगे, सेव कब करते, जब हमें उसी फाइल में सेव करना होता, लेकिन इस चीज को हमें दूसरे फाइल में दूसरे नाम से सेव करना है, तो सेव एज पे जाएंगे। पूछ रहा है कहां सेव करना है, तो सेव तो करेंगे डेस्कटॉप पे ही, नाम क्या दे दे, तो बुलसाई एडवेंचर्स था, यहां पे देते हैं प्रकाश झा, दे दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर ऑप्शन है सेव का, इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहां से इसे करते हैं क्लोज। देखिए पहले बुलसाई और बुलसाई एडवेंचर्स था, लेकिन अब क्या आ गया, प्रकाश है। अब इस फाइल को जब आप ओपन कीजिएगा, तो देखिए इसमें दो बार, एक बुलसाई नीचे बुलसाई एडवेंचर्स, और उसके बाद जो आपने मेटा टाइप किया था वो बड़ा बड़ा सारा इसमें आ चुका है। इससे क्या समझ में आया कि यदि कोई फाइल है, ये फाइल कौन है, प्रकाश झा, इसी में कुछ लिख करके अगर इसी फाइल में सेव करना है, तो सीधा क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए, जैसे यहां पे ही लिखना है राम इज ए गुड बॉय, लिखना है इसी फाइल में, और इसी फाइल में सेव करना है, तो कुछ नहीं करना है, कंट्रोल प्लस एस, देखिए सेव हो चुका होगा, क्लोज कीजिए, प्रकाश झा वाले फाइल को ओपन कीजिए, और यहां से देखिए राम इज ए गुड बाय सेव हो गया होगा, नीचे देखिए हो गया ना, राम इज ए गुड बाय सेव हो गया है। लेकिन हम चाहते हैं इसमें कुछ और लिख के इसको दूसरे नाम से दूसरी जगह से, जैसे सीता इज ए गुड गर्ल, अब ये लिख करके हम चाहते हैं ये सब जो लिखे ये मैटर दूसरे नाम से सेव हो, तो कहां जाएंगे, उसके लिए जाएंगे फाइल में, फाइल में जाने के बाद सेव एज, सेव एज में जाने के बाद कहां सेव करना है, तो इसे डेस्कटॉप पे सेव करना है। नाम क्या देना है, तो नाम यहां पे प्रकाश झा था, यहां से नाम हटा देते हैं, नाम दे देते हैं सीता, उसके बाद क्या करेंगे, सेव, यहां से क्लोज। अब देखिए सीता फाइल, सीता नाम से भी एक फाइल सेव हो चुका है, यहां से आप आइएगा देखिएगा, यहां पे देखिए बुलसाई, बुलसाई एडवेंचर्स, और इसमें लास्ट में लिखे थे सीता इज ए गुड गर्ल। क्या समझे कि आप जो भी डॉक्यूमेंट टाइप कीजिएगा, अगर इसी फाइल में सेव करना है तो सेव का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें कुछ नया एडिटिंग करके, कुछ नया ऐड करके दूसरे जगह पे दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, सेव एज का। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, सेव एज का शॉर्टकट क्या होता है, F12, क्या होता है,
F12 MS Word में अगर कोई फाइल सेव है और उसको सेव एज के माध्यम से दोबारा सेव करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, सेव एज का। चलिए बहरहाल मैं इस सारे चीज़ों को, सारे ऑप्शन को क्लोज करता हूँ और ये जो भी फाइल है इस सब फाइल को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं कि MS Word में आप किसी भी फाइल में पासवर्ड कैसे लगाइएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले वर्ड ओपन करते हैं। वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ से इसे बड़ा करते हैं, टाइप कर लेते हैं इक्वल टू RANG शिफ्ट के साथ 90, इंटर। अब इसमें पासवर्ड लगाना है तो फाइल में जाएंगे, सेव में जाएंगे तो पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो डेस्कटॉप लेना है, डेस्कटॉप। किस नाम से सेव करना है, नाम दे देते हैं बुलसाई। अब मुझे पासवर्ड लगाना है तो कहाँ जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए तो टूल्स, टूल्स वाले पे जाने के बाद नीचे में तीसरे नंबर पे क्या दिखा रहा है, जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन में यहाँ दो ऑप्शन है, एक है पासवर्ड टू ओपन और दूसरा है पासवर्ड टू मॉडिफाई। पासवर्ड टू ओपन यानी कि आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने का पासवर्ड अलग रख सकते हैं और उसको मॉडिफाई करने का अलग। चलिए इसमें दे देते हैं पासवर्ड में PRAKASH प्रकाश, और नीचे वाले में दे देते हैं BULLSEY बुलसाई, इंटर। फिर यहाँ री इंटर पासवर्ड टू ओपन। अब आपने जो ओपन वाले का पासवर्ड दिया है वो इसमें री इंटर कन्फर्म कीजिए, लिख रहा है इफ यू लॉस योर फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, रिमेंबर दैट पासवर्ड आर केस सेंसिटिव। आप अपना पासवर्ड को कभी भी भूलिएगा तो आप इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज कि आप इस चीज का केस सेंसिटिव का मतलब है कि आप इस चीज का ख्याल रखें कि आप जब पासवर्ड दे रहे हैं कैपिटल में दे रहे हैं या स्मॉल में दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप दे दे कैपिटल में और पासवर्ड जिस समय देना हो, अभी पासवर्ड लगा दे कैपिटल में और जिस समय देना हो उसमें स्मॉल में, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगा। चलिए इसमें मैं PRAKASH प्रकाश, इंटर। री इंटर में इसमें हो जाएगा बुलसाई BULLSEY बुलसाई, इंटर। और उसके बाद क्या करेंगे, सेव। अब यहां से हम इसको क्लोज करते हैं, डेस्कटॉप में मेरा फाइल सेव हो चुका है बुलसाई नाम से। इसे अब ओपन करेंगे तो सबसे पहले क्या बोलेगा कि पासवर्ड दे दीजिए। आपने जो पासवर्ड लगाया जब तक आप पासवर्ड नहीं देंगे तब तक ये ओपन नहीं होगा, आप गलत पासवर्ड दीजिएगा ओपन नहीं होगा। क्या बोला, द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, वर्ड कैन नॉट ओपन द डॉक्यूमेंट, क्लिक। यहां से क्लोज कर देंगे, यहां से भी इसे क्लोज करेंगे, फिर ओपन करेंगे। जैसे ही आप सही पासवर्ड इसका देंगे, सही पासवर्ड क्या है, प्रकाश बुलसाई। अब इसको ओपन किए, ओपन किए तो देखिए फाइल खुल चुका है। तो क्या समझे कि फाइल में अगर आपको पासवर्ड लगाना हो तो आप आसानी से पासवर्ड लगा सकते हैं। अगला चीज मैं आपको बता दूं कि अगर जो पासवर्ड मैंने लगाया उस पासवर्ड को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको जाना है फाइल ऑप्शन में, फाइल ऑप्शन में जाने के बाद जाना है सेव एज में, इसी फाइल में सेव एज में, और सेव एज में जाने के बाद आपका फाइल कहाँ है, तो डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे है, जो है जैसे वैसे रहने देना है, कुछ नहीं करना, बस टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद जनरल ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ से जो पासवर्ड आपने लगाया हटा दीजिए, पासवर्ड मॉडिफाई को हटा दीजिए, यहाँ पे ऊपर वाले में दे दीजिए 1 2 3 4 5, नीचे वाले में दे दीजिए 5 4 3 2 1, उसके बाद क्या कीजिएगा, ओके 1 2 3 4 5, ओके 5 4 3 2 1, ओके। और उसके बाद क्या कीजिएगा, सेव। यहाँ से इसे सेव करने के बाद आप कर दीजिएगा क्लोज। जैसे ही क्लोज कीजिएगा, अब बुलसाई वाले फाइल को जब आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे पासवर्ड क्या पूछा, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। कुल मिलाकर मैंने आपको अभी सिखाया पासवर्ड को चेंज करना, और आखिरी चीज मैं आपको सिखाता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसमें से, इस डॉक्यूमेंट में से हम पासवर्ड हटा ही देते हैं। अभी देखिए यहां से क्लोज करते हैं, अभी इस डॉक्यूमेंट को ओपन कीजिएगा तो पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड क्या है, 1 2 3 4 5, इंटर, 5 4 3 2 1, इंटर। यहां पासवर्ड आ चुका है। अब इससे क्या करना है, इस पासवर्ड को मुझे हटा देना है, तो क्या करेंगे उसके लिए, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद कहां जाएंगे, सेव एज पे, सेव एज में जाने के बाद कहां जाएंगे, ब्राउज में, कहाँ है जो जैसे है वैसे रहने देना है, टूल्स में जाना है, यहाँ से जनरल ऑप्शन में, और यहाँ से इसे हटा देना है, और यहाँ से इसे भी हटा देना है, और लास्ट में क्या करना है, ओके, उसके बाद सेव। अब देखिए आपके डॉक्यूमेंट में पासवर्ड हट चुका होगा, सेव कीजिएगा, इसको ओपन कीजिए। पासवर्ड मांगा क्या, नहीं, खत्म हो चुका है। क्यों नहीं मांगा, क्योंकि इसमें अब पासवर्ड लगा हुआ
नहीं है। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि किसी भी डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, पासवर्ड हटाना हो तो कैसे लगाएंगे हटाएंगे, और पासवर्ड चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। आइए अगला ऑप्शन सीखते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, फाइल में चलते हैं, अगला ऑप्शन है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट आपका खुला हुआ उसका हिस्ट्री यहां से देख सकते हैं, पहले से ही यहां पे दिख रहा है, उसे रिसेंट फाइल भी बोलते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा प्रिंट। अब प्रिंट का क्या काम है आइए दिखाते हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, अब इस डॉक्यूमेंट को मुझे करना है प्रिंट आउट करना है, प्रिंट करके निकालना है, तो उसके लिए कहां जाएंगे, फाइल में। फाइल में जाने के बाद ऑप्शन यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, प्रिंट। प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी। प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंटर का, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे सबसे पहले है कॉपी, कि आप जो जिस पेज को प्रिंट आउट करना चाहते हैं इसका कितना कॉपी प्रिंट आउट करना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4, अगर जितना, जैसे आपको 10 लेना है तो यहाँ पर लिख दीजिए 10, कि भैया इस पेज का मुझे 10 कॉपी चाहिए, लेकिन हम फिलहाल 1 रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिस कंपनी का आपका प्रिंटर इंस्टॉल होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगला है प्रिंट ऑल पेज। आपने जितना भी पेज बनाया, जैसे सपोज कीजिए कि आपने 50 पेज में डॉक्यूमेंट बनाया है और सारे के सारे पेज को प्रिंट ऑल पेज, द होल थिंग, मतलब जितना भी पेज आपने बनाया सारा का प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो प्रिंट ऑल पेज लीजिएगा। लेकिन अगर उसमें से आप किसी 1, 2, 3, 4 पेज को अगर प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, यहां से जैसे सपोज कीजिए कि आप 50 पेज बनाए हैं और 50 पेज को प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो प्रिंट ऑल पेज। लेकिन अगर उसमें से किसी और 50 पेज बनाए लेकिन जिस पेज नंबर पे है सिर्फ उसी को प्रिंट आउट करना है तो प्रिंट करेंट पेज पे जाइएगा, तो प्रिंट करेंट पेज से सिर्फ और सिर्फ उसी पेज को प्रिंट आउट कीजिएगा। अगला है कि नहीं हमको ना तो करेंट पेज प्रिंट आउट करना है और ना ही पूरा पेज, कुछ कुछ पेज को प्रिंट आउट करना है, तो उसके लिए जाइएगा कस्टम प्रिंट में। कस्टम प्रिंट में जाने के बाद जैसे सपोज कीजिए 1 नंबर चाहिए, कॉमा 6 चाहिए, कॉमा तो उसके बाद हमको 9 चाहिए, कॉमा 11 चाहिए, कॉमा 12 चाहिए, कॉमा 18 चाहिए, कॉमा 27 चाहिए। क्या समझ में आया कि 50, 1 से लेकर 50 तक पेज तो बनाए हैं लेकिन हमें प्रिंट आउट करना है सिर्फ 1, 6, 9, 11, 12, 18, 27, तो जिस जिस पेज को मुझे प्रिंट आउट करना होगा वो यहां तक दे देंगे, इसमें कोई डाउट है। अगला है कि आपको, आप चाहते हैं कि नहीं 1 से लेकर 10 तक का सीधा हमको प्रिंट आउट चाहिए, बनाए हुए हैं हम डॉक्यूमेंट 50 लेकिन प्रिंट आउट करना है 1 से 10 तक, तो क्या करना है, तो यहां पे 1-10 ऐसा भी आपका 1 से लेकर 10 तक प्रिंट आउट हो जाएगा, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्रिंट वन साइडेड। अगर आप डॉक्यूमेंट के केवल एक साइड से, एक तरफ से प्रिंट आउट करना चाहते हो वन साइडेड सेलेक्ट कीजिएगा, दोनों तरफ से चाहते हैं तो दोनों मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइडेड सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है कोलेटेड और अनकोलेटेड। इसको क्या चलिए, सबसे पहले कोलेटेड की बात करते हैं। जैसे आप 10 डॉक्यूमेंट बनाए, ठीक है, आपका कोई बुक है जिसका 10, एक बुक में 10 पेज नंबर है और उसका 20 बुक बनाना है, तो एक पेज नंबर को कितना बार निकालना पड़ेगा, 20 बार, 1 से लेकर 10 तक कितना बार, 20 बार। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो है कि 1 से लेकर 10 तक एक बार निकाल दिए, फिर दूसरा है 1 से लेकर 10 तक निकाल दिए, फिर तीसरा है 1 से लेकर 10 तक, ये कितना बार होगा, 20 बार। लेकिन दूसरा है अनकोलेटेड, आपको एक नंबर पेज को कितना बार निकालना है, तो 20 बुक बनाना है तो 20 बार, तो एक नंबर पेज को 20 बार निकाल दीजिए, फिर 2 नंबर पेज को 20 बार निकाल दीजिए, फिर 3 नंबर पेज को 20 बार निकाल दीजिए। क्या समझे कि जो पेज है जितना बार उसका जरूरत है उतना बार आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। पेज का 2 ओरिएंटेशन है, एक है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। देखिए पोर्ट्रेट में क्या होता है, थोड़ा गौर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पोर्ट्रेट में यहाँ पे देखिएगा हाइट ज़्यादा है चौड़ाई कम है, लेकिन देखिएगा जैसे ही हम लैंडस्केप करेंगे, देखिए यहाँ पे लैंडस्केप में क्या हुआ, चौड़ाई ज़्यादा हो गया हाइट कम हो गया, तो लैंडस्केप में अगर आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो ऐसा प्रिंट आउट होगा, और अगर आप पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं तो आपका जो है प्रिंट आउट ऐसा होगा। कोई फॉर्म वगैरह होता है ज़्यादातर वो पोर्ट्रेट में होता है, लेकिन अगर किसी चीज़ का एडमिट कार्ड या आपको सर्टिफिकेट वगैरह लेना होगा तो लैंडस्केप में होता है, तो इस तरह का साइज होगा, तो आप जैसे प्रिंट आउट करना चाहते हो वैसे ले सकते हैं। अगला है पेपर का साइज। पेपर का साइज में लेटर है, लीगल है, A4 है, सबसे बेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है A4, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आप इसमें से कोई भी ऑप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जनरली लीगल, लेटर और A4 सबसे ज़्यादा यूज होता है। आगे आते हैं, अगला है हमारा मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे कि चौथाई छोड़ के लिखो। आप डॉक्यूमेंट के बाएं से, दाएं से, टॉप यानी ऊपर से, बॉटम यानी नीचे से, चारों तरफ से कितना छोड़ना चाहते हैं आप। अगर नॉर्मल रखेंगे तो 1-1 इंच, अगर नैरो रखेंगे तो आधा आधा इंच यानी 0.5 इंच, अगर टॉप मॉडरेट रखना चाहते हैं तो आप टॉप से और बॉटम से 1-1 इंच, बाएं और दाएं से इतना, आप इसमें से जितना भी छोड़ना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं।
चलिए फिलहाल हम यहाँ से नॉर्मल ले लेते हैं। और लास्ट है कि एक पेज पर कितना सीट लेना चाहते हैं, जैसे एक पेज पर अगर एक सीट है, एक सीट पर एक पेज लेना चाहते हैं तो एक पेज, एक सीट पर दो पेज लेना चाहते हैं तो दो पेज तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, एक चार एक सीट पर चार पेज लेना चाहते हैं तो और थोड़ा छोटा हो जाएगा, छः लेना चाहते हैं और छोटा हो जाएगा, 16 लेंगे तो और छोटा, यानी क्या समझे, जितना ज़्यादा आप पेज लेंगे उतना आपका पेज का साइज छोटा होगा। चलिए यहाँ से हम इसको कर देते हैं बंद, ये मेरा प्रिंट का ऑप्शन था। तो यहाँ से सारा चीज़ सेलेक्ट करने के बाद लास्ट में जो डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करना होगा उसको प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगला है शेयर। शेयर का क्या काम है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि आप यहाँ से फाइल ऑप्शन से क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे आप इस डॉक्यूमेंट को बनाकर किसी को ईमेल करना चाहते हैं, किसी पीपल को शेयर करना चाहते हैं, आप इसको ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसका ब्लॉग पे पोस्ट कर सकते हैं, सेव टू क्लाउड, क्लाउड पे ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, ये सारा का सारा चीज आप शेयर से कर सकते हैं। अगला है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का क्या काम है, जैसे ये एमएस वर्ड का फाइल है, इसको आप जो है चेंज करना चाहते हैं पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में तो कर सकते हैं, उसी में चेंज फाइल में जाइएगा तो इस डॉक्यूमेंट को जो है यहाँ पे आप किसी भी चीज़ में, जैसे सपोज कीजिए कि वर्ड 97 2003 क्या है, जैसे अभी जो मैं काम कर रहा हूँ 2019 में काम कर रहा हूँ, और 2019 में काम कर रहा हूँ और किसी व्यक्ति के पास 2019 नहीं है, उसके उसके कंप्यूटर में 2007 वर्ड है, 2000 एमएस ऑफिस का 2007 वर्जन है, तो आप इसमें कन्वर्ट करके अगर उसको भेजेंगे तो वहाँ से एक्सेस कर सकता है। अगला है क्लोज। क्लोज करेंगे तो जो फाइल खुला हुआ है वो फाइल आपका क्लोज हो जाएगा। यहाँ से बोल रहा है कि आप क्लोज करने से पहले बताइए सेव करना चाहते हैं या नहीं, चलिए हम इसे सेव नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है, सेव है यानी आप सेव करना चाहते हैं, डोंट सेव यानी इसे सेव नहीं करना चाहते हैं, और कैंसिल मतलब कैंसिल डोंट सेव कर देते हैं। अब ये जो डोंट सेव किया तो जो फाइल हमारा है वो डिलीट नहीं हुआ, वो फाइल वहाँ से क्लोज हो गया। अब इसको क्लोज कीजिए, ये बुलसे वाला फाइल मेरा है ही सेव ही है, यहाँ पर ओपन कर दिए। इस डॉक्यूमेंट को अगर क्लोज करना है तो कहाँ जाएंगे, फाइल में, फाइल में जाने के बाद कहाँ जाइएगा, क्लोज ऑप्शन पर जाइएगा, तो ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। फिर से ओपन करना है, इसको डबल क्लिक कीजिए, ओपन कर लीजिए। अब अगला ऑप्शन है हमारा फाइल में क्लोज के बाद अकाउंट, जो भी आपने अकाउंट अपना यूएमएस ऑफिस का बनाया है, जो भी लॉगिन किए हैं, यहाँ पर अकाउंट आ रहा है, जैसे मैंने प्रकाश बुलसे @outlook.com का बनाया है तो मेरा ये अकाउंट है, साइन आउट करके आप दूसरा अकाउंट भी लगा सकते हैं, यहाँ से अकाउंट को सेटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट आपका एक्टिवेट है कि नहीं यहाँ से देख सकते, ये सारा चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला चीज है अकाउंट के बाद फीडबैक, आपने जो आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना फायदा का है, क्या है, आप इसको इस्तेमाल करके कितना खुश है, ये चीज यहां से दे सकते हैं। अगला है ऑप्शन। ऑप्शन में जाकर के आप यहां से क्या कर सकते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ऑप्शन में बहुत सारा चीज है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा जैसे जैसे बढ़ के आएगा। जैसे यहाँ पे एक सादा है, सादा पेज है, इसे कलर करते हैं, कलर करते हैं, और यहां से जब हम इसको कलर करेंगे तो आपको क्या आएगा, यहां से जब हम कलर करते हैं, अब हम चाहते हैं कि कलरफुल ही प्रिंट हो, तो प्रिंट के लिए फाइल में जाइएगा, प्रिंट ऑप्शन में जाइएगा, लेकिन व्हाइट आ रहा है, मुझे तो रेड चाहिए था, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मुझे जाना होगा ऑप्शन में, ऑप्शन में जाने के बाद डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाने के बाद मैं जाऊंगा, यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखा रहा है प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेज, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद अब जैसे ही आप फाइल में जाएंगे और प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये देखिए रेड कलर में आ गया। तो इसी तरह से ऑप्शन में बहुत सारा चीज़ है जो मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए फिलहाल मैं आज के क्लास में आपको फाइल टैब पढ़ाऊँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा बात अच्छे से समझ में आया होगा। आपको मैं एक बार फिर से बता दूँ कि आज के क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था कि आप अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड को ओपन कीजिए, एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद आप जाइएगा फाइल में, फाइल में जाने के बाद ये है होम, होम में हम लोग बाय डिफॉल्ट रहते हैं, न्यू में आप नया कोई भी डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+N, ओपन में कोई भी फाइल पहले से सेव है उसको ओपन कर सकते हैं जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+, वो इन्फॉर्मेशन में कोई भी पेज जो आपका खुला हुआ है उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, सेव में कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप खोले हुए हैं बनाए हुए हैं उसको अगर सेव करना चाहते हैं तो उसको सेव कर सकते हैं जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। अगला है सेवेज, कोई भी फाइल खुला हुआ है अगर उसको दूसरे नाम से दूसरे जगह पर सेव करना चाहते हैं तो सेवेज का इस्तेमाल करेंगे, सेव का शॉर्टकट की Ctrl+S और सेवेज का F12 होता है। हिस्ट्री में कोई भी फाइल जो पहले से खुला हुआ है उसे देख सकते हैं, रिसेंट फाइल में भी वही चीज़ देख सकते हैं। यहाँ से प्रिंट है, प्रिंट का ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप प्रिंट कर सकते हैं, Ctrl+P इसका शॉर्टकट की है। यहाँ से देखिए प्रिंट का सारा ऑप्शन मैंने आपको पढ़ाया। शेयर में आप किसी से भी, किसी भी व्यक्ति को अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में अपने फाइल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। क्लोज में आप डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद जो है आपको मैं बता दूँ फाइल टैब में और दो ऑप्शन मैंने पढ़ाया था।
अकाउंट में जा करके आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट लॉगिन है तो किस नाम का अकाउंट लॉगिन है, दूसरा अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अगला है फीडबैक, अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से फीडबैक दे सकते हैं और ऑप्शन में जा करके ऑप्शन का काम बताए थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज फाइल टैब में जो आपने पढ़ा वो सारा चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट किए हैं फाइल टैब। फाइल टैब हम लोग पढ़े हैं, फाइल टैब का जितना भी ऑप्शन था एक एक ऑप्शन को हम लोग देखे हैं। फिर से मैं बता दूं कि ये सारा का सारा चीज जितना भी मैंने अभी पढ़ाया काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अभी आपका जो ये लेक्चर 2 था फाइल टैब, आप हमेशा इस लेक्चर को एक बार दो बार तीन बार रिपीट करके लेक्चर 1 लेक्चर 2 को देखते रहिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बेसिक लेवल से आपको बताया है, हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से देखने के बाद उसमें आप एक एक ऑप्शन को पढ़िएगा ताकि आपको आगे एक्सेल या पावर पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं हो। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आज का क्लास यहीं पे हुआ संपन्न। दीजिए इजाजत, प्रणाम।